कहते हैं उसके खिलाफ उत्तराखंड से लेकर पश्चिम यूपी तक शायद ही कोई ऐसा थाना था जहां कोई उसके खिलाफ मामला दर्ज ना हो। जी हां, हम बात करें सुनील राठी की, जिसने लूट, हत्या, फिरौती और अपहरण के जरिए पूरे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में अपना साम्राज्य कायम किया। बताया जाता है सुनील राठी के पिता नरेश राठी काफ़ी सज्जन नेता थे। अपने इलाके के वो दो बार चेयरमैन भी रह चुके थे। वो कहीं तीसरी बार चेयरमैन ना बन जाएं, इसलिए उनके दुश्मनों ने चुनावी रंजिश के चलते सुनील के पिता की हत्या करवा दी। जब उसके पिता की हत्या हुई तब उस सुनील की उम्र मात्र 16 साल थी। उसकी आंखों के सामने उसके पिता के उठते जनाजे ने उसमें इंतकाम की आग में झोंक डाला और तब पैदा हुआ पश्चिम यूपी का सबसे बड़ा गैंगस्टर सुनील राठी। पुलिस रिकॉर्ड बताती है सुनील राठी ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए ही पहला मर्डर किया था। हालांकि इस मामले में नाबालिग होने के चलते उसे रहा कर दिया गया था, लेकिन कहा जाता है कि खून एक बार हाथ में लग जाने के बाद जुर्म की दुनिया में लौट पाना मुश्किल होता है। ऐसा ही हुआ। सुनील राठी ने फिर इस दुनिया में आगे बढ़ने का निर्णय लिया। उसने हरिद्वार से ही अपना पूरा नेटवर्क खड़ा किया। कहा जाता है कि इसने जुर्म को उद्योग की तरह बढ़ाया। इस दौरान उसके बड़े नेताओं से भी संपर्क बने और उसने इसका फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। इसके बाद एक के बाद एक हत्या के ऐसे मामले आने लगे जिसमें राठी का सीधे सीधे नाम आता रहा। राठी के कारनामों की फाइल मोटी होती रही, लेकिन वह पुलिस गिरफ्त से बाहर ही रहा। साल 2001 में राठी पुलिस के हत्थे चढ़ा। उसके पास से हैंड ग्रेनेड बरामद हुआ था, लेकिन गिरफ्तारी के बाद भी राठी का खौफ अपराध की दुनिया में कम नहीं हुआ। वह जेल की ऊंची ऊंची चार दीवारियों में कैद रहते हुए पूरा नेटवर्क संभाल रहा था। लेकिन कहते हैं अपराध की दुनिया में चलाई गई एक एक गोली वापस लौट कर जरूर आती है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के एक दूसरे अपराधी चीनू पंडित से सुनील राठी की रंजिश चलने लगी। दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे रहने लगे और एक दूसरे पर हमला की ताक में रहने लगे। लेकिन यहाँ भी काफ़ी हद तक राठी को ही सफलता मिली। इसके बाद में 2018 में उसकी मुन्ना बजरंगी से भी कहा सुनी हुई, लेकिन इस बार सुनील राठी ने सीधा मुन्ना बजरंगी को मौत के घाट उतार दिया। अफसर बदलते रहे, सरकारें बदलती रहीं, लेकिन सुनील राठी आज भी जेल के अंदर अपना जुर्म का कारोबार चला रहा है। इसे समय का खेल कहें या सुनील राठी की किस्मत, जो वो अभी तक योगी आदित्यनाथ जैसे नेताओं के चंगुल में नहीं फंसा। और आखिर मैं आपको बता दूं, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।